हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 फिजिक्स से मैं आप लोगों को फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट वाला कंप्लीट कराने जा रहे हैं। लेसन 5 हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। अब प्रकाशिकी के बाद हम वह लेसन छोड़ रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाली बुक से लेके चल रहे हैं विद्युत धारा, ठीक है। आपको इसके पहले पढ़ाया गया वैद्युत क्षेत्र है, गास की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव और वैद्युत धारिता पढ़ाया गया, ठीक है ना। इसके बाद वाला हमारा लेसन है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, उसी प्रकार से बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यानी हमारा जो विद्युत धारा है यह क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से अध्ययन भी किए होंगे विद्युत धारा क्या है। आवेशों यानी किसी चालक में, किसी चालक का होना अनिवार्य है। चालक किसे कहते हैं आप लोग पढ़े हैं, जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। याद है, क्लियर हुआ। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ। इसके एक परिभाषा और बना सकते हैं, देखिए हम फार्मूला जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। कहां से आया, यदि समय का मान क्या हो जाए एकांक, तो एकांक समय में जितने भी आवेश प्रवाहित होंगे वही आपका विद्युत धारा है। यदि समय यानी एकांक समय में जितने भी आवेश प्रवाहित होंगे किसी चालक में वही विद्युत धारा, या आवेशों के प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या बनेगा, देखिए आई बराबर क्यू अपान टी होता है ना। क्यू क्या है, आवेश। क्यू क्या है आपका, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और बटे में टी का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड है। लेकिन हमारा जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वह कूलाम प्रति सेकेंड ना होकर डायरेक्टली इसको क्या नाम दिया गया है, एम्पियर नाम दिया गया है। तो आप लोगों से पेपर में पूछ भी सकता है कि विद्युत धारा क्या है, तो आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। अब विद्युत धारा में कुछ तथ्य हैं वह जान लेते हैं ध्यान से, ठीक है क्या। और आप लोग एक चीज और जानेंगे, आई बराबर क्यू अपान टी, इसके पहले वैद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर में हम बताए थे कि क्यू आवेश है और क्यू का मान यन ई के बराबर होता है, जहां यन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यन क्या है इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हैं, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लगता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इतना जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा की, विद्युत धारा पेपर में पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो विद्युत धारा की दिशा तो हमेशा एक ही प्रकार से होती है, एक ही दिशा में होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग सदिश और अदिश से के हिसाब से नहीं चलेंगे, यहां पर यह चलेंगे कि जो आपका विद्युत धारा है यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। चलता तो एक ही दिशा में है लेकिन यह कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। अब बात आती है, यह भी पूछ सकता है कि बताइए कि जो विद्युत धारा होती है वह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु यह क्या है, अदिश राशि है। और एक तथ्य इसमें और है, परंतु यह है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उस दिशा को छोड़कर उस दिशा में नहीं जाएंगे, उसके विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा। पूछा जा सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉनों की ही दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसकी दिशा के विपरीत दिशा में ही आपका विद्युत धारा का प्रवाह। यहां तक कंप्लीट समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना, आई होप समझ में आया। चलिए देखिए, तो अब बात जान लेते हैं, हमारा यह कंप्लीट हो गया विद्युत धारा। अब बात आती है इसी में धारा घनत्व, किसका नाम आता है, धारा घनत्व, कि धारा घनत्व है क्या, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई चालक है आपके पास, यही चालक है, मान लीजिए चालक का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो होगा ही, ठीक है, कितना स्थान घेरा है, लंबाई और चौड़ाई कैसी है, तो कुछ कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा ही। तो एकांक क्षेत्रफल में उत्तर
प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व तो कहते हैं, धारा घनत्व तो को जे से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? किसी चालक का होना अनिवार्य है। तो क्या परिभाषा बन जाएगी? किसी चालक के यह एरिया है क्षेत्रफल, यह क्या हो जाएगा? एकांक। एकांक का मतलब एक। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली या बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। इसको किससे डिनोट करते हैं? जे। ठीक है ना, धारा घनत्व करते हैं। अब बात आती है, धारा तो अदिश राशि होती है, पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन धारा घनत्व कैसी राशि है? आपका एक सदिश राशि है, यह याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, धारा घनत्व सदिश राशि है और धारा क्या है? अदिश राशि है। और धारा घनत्व के लिए आप लोग परिभाषा या फार्मूला लिखेंगे जे बराबर आई अपान ए। अगर यह फार्मूला याद है तो परिभाषा इसी से तो बना सकते हैं। कैसे? देख लीजिए, यह क्षेत्रफल है या धारा है या धारा घनत्व है, तो एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, वही एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों में डिफरेंस पता हो गया, ठीक है ना। अब धारा घनत्व के बाद कुछ चलते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपवाह वेग, अनुगमन वेग, ठीक है ना, श्रांति कारक, इन सबसे संबंधित परिभाषाएं हैं। देख लीजिए क्या है हमारा अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अब अपवाह वेग और अनुगमन वेग होता क्या है, या आप लोगों को परिभाषा क्लास 11th में भी इस टाइप का पढ़ाया गया, ठीक है ना, अगर अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो, ठीक है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कोई दो छड़ है, यह एक सेकंड में दो बार टकराया, दूसरे सेकंड में भी दो बार टकराया, तीसरे सेकंड में भी दो बार टकराया, तो बार बार यानी वह क्रमागत टक्कर हो रहा है ना, और एक निश्चित समय अंतराल पर हो रहा है, तो क्या कहेंगे? किन्हीं दो क्रमागत, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए औसत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है, अपवाह वेग कहते हैं। अब बात आती है कि इसे डिनोट किससे करते हैं। देखिए वेग को तो वी से डिनोट करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन जब बात आती है अपवाह वेग या अनुगमन वेग, तो इसे वी सफिक्स में डी, छोटा सा डी से प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में आता है? चलिए एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग किन्हीं दो क्रमागत टक्कर यानी क्रमानुसार टक्कर हो रहे हैं, तो उनके बीच ही जितना वेग होगा औसत वेग, वही आपका अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। यहां तक समझ में आया? चलिए अब बात आती है नेक्स्ट हेडिंग की, माध्य मुक्त पथ। अब आप लोग बताइए पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है, यानी दूरी से ही तो संबंधित है, बन गए इसी से परिभाषा बना लीजिए। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी, क्योंकि आपका पथ रास्ता है दूरी से संबंधित है, तो यह हेडिंग आप लोग निकाल के यहां पर क्या लिख देंगे? माध्य मुक्त पथ। पथ माने रास्ता, यानी कितनी दूरी तय कर रहा है, इसमें भी क्रमागत आएगा, तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अब माध्य मुक्त पथ को डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। बात आ रही समझ में? लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है, लेकिन यहां पर माध्य मुक्त पथ की बात आती है, तो माध्य मुक्त पथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है श्रांति काल, ठीक है, श्रांति काल। अब बताइए काल मीन्स क्या होता है? समय ही तो होता है, बन गया फिर वही परिभाषा, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए औसत समय,
क्योंकि काल मीन्स क्या होता है, समय। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए औसत समय को ही क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, श्रांति काल कहते हैं और श्रांति काल को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। मात्रक तो सेकंड ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है ना। अब बात आती है यहां तक पढ़ने के बाद, यह सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसको किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि आगे चल के जब प्रूव कराया जाएगा कोई फॉर्मूला तो यही आपको काम देगा, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए अच्छे से, जो भी समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछेंगे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ओम का नियम। अब ओम का नियम तो ओम सला, ओम का नियम तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, आप लोगों को याद होगा ही, थोड़ा सा बताया जाएगा अभी अच्छे से याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो पढ़ाया गया है V अनुक्रमानुपाती I या I अनुक्रमानुपाती V, किसी चालक के सिरों में बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या किसी चालक के सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एक चीज, यह आपका अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह होता है, जब वही चीज बटे माता है तब उसको व्युत्क्रमानुपाती की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ओम के नियम में चालक तो नाम आएगा ही, ठीक है। तो क्या कहेंगे, किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए, कौन किसके अनुक्रमानुपाती है, विभवांतर ही तो धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो किसी चालक के सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, यह हमें परिभाषा पढ़ा सकते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, बात एक ही है, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम कभी भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक तो आएगा ही, ठीक है। तो बराबर जैसे ही लगाएंगे, एक नियतांक ओम ने दिया, क्या नियतांक दिया, आर, और बगल में क्या है, आई, या हम कह सकते हैं वी बराबर आई पहले लिख दीजिए और बाद में क्या है आर, यानी वी बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग, आई आर कह सकते हैं, जहां वी क्या है, विभवांतर, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। बात समझ आ रही है, आई क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आर क्या है आपका, प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है ना। अब बात आती है ओम को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यह आपका ओम का निशान है जब बनाया जाएगा। एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है कई बार कि बताइए कि जो आपका यह फार्मूला है ओम का नियम, यह किसके लिए है, किसको दर्शाता है, तो आप लोग कहेंगे कि विद्युत धारा को दर्शाता है। नियतांक कौन है, आर, यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ही तो हमारा क्या है, नियतांक है। और यह किसको डिनोट करता है, किसको दर्शाता है, विद्युत धारा के लिए, यह फार्मूला आपका विद्युत धारा की दिशा को दर्शाने के लिए ही ओम का नियम बनाया गया है, ठीक है। तो ओम का नियम अच्छे समझ में आया, वी बराबर आई आर, और कैसे, ठीक है। अब बात आगे इसमें है, ओम के नियम का दो प्रकार से संयोजन किया जाता है प्रतिरोधों का। ओम के नियम में जो कांस्टेंट दिया गया आर, इसका दो प्रकार से संयोजन है, एक श्रेणी संयोजन है, एक समांतर संयोजन है। अब इसका संयोजन अगर आप लोगों को आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बताइएगा, बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना।